हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिनियर डेवलपर। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मोड ऑफ पेमेंट है हमारे, जैसे चेक डीडी पे क्लिक किया तो डीडी नंबर आना चाहिए, चेक पे क्लिक किया तो चेक नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, वो कैसे करने वाले वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था ये पूरा। एंड मोड ऑफ पेमेंट पे हमने सबसे पहले कैश डिस्प्ले होगा, वो भी उसकी भी हमने कोडिंग की थी। अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर डिज़ाइन में जाके हमने एक मेथड क्रिएट किया था डिस्प्ले कैश फर्स्ट का, ये देखिए डिस्प्ले कैश फर्स्ट, एंड उसको कंस्ट्रक्टर में कॉल किया था, जिससे हमें बाकी के लेवल जैसे चेक नंबर, बैंक नेम, ये डिसेबल हो जाते हैं। ओके, सो आज हम कंटिन्यू करने वाले आगे के पार्ट को। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि मोड ऑफ पेमेंट में कैश सेलेक्ट हो, बाय डिफ़ॉल्ट हमने, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बस मैंने कैश सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर सेलेक्टेड इंडेक्स, अब उस पर क्लिक करिए कॉम्बो बॉक्स पर, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाइए एंड सेलेक्टेड इंडेक्स देखिए कि वहाँ पर टू है या नहीं। टू मतलब कैश, 0 1 2 देख सकते हैं। फर्स्ट 0 पे डीडी नंबर, फर्स्ट पे चेक, एंड सेकंड पे जो है वो कैश है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, बट अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप मैंने जो रखा है आप वो रखेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम इवेंट अप्लाई करने वाले, बेसिकली हमें वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें इवेंट अप्लाई करना पड़ेगा इस कॉम्बो बॉक्स पे, ठीक है। तो कॉम्बो बॉक्स पे इवेंट करते हैं, इवेंट एक्शन एंड एक्शन परफॉर्म इवेंट अप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो एक्शन परफॉर्म इवेंट यहाँ पर, एंड हमें कॉम्बो बॉक्स पे पहले जो सेलेक्ट करना, हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हम यूज़र ने कौन से इंडेक्स को सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो मैं इफ़ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा हमें, इफ़ कॉम्बो पेमेंट डॉट गेट सेलेक्टेड, एक मेथड है गेट सेलेक्टेड इंडेक्स, इससे हमें इंडेक्स मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट सपोज करिए कैश सेलेक्ट किया है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर अगर आपने डीडी सेलेक्ट किया तो सेलेक्टेड इंडेक्स क्या है, भी 0 है, ओके, क्योंकि 0 1 2 3, तो 0 पे डीडी, 1 पे चेक, इस तरह। तो हमें सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 0 है, मतलब यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया है, अभी यूज़र ने सेलेक्ट किया है डीडी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर डीडी सेलेक्टेड है, ओके, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, बैड ऑपरेंट सेलेक्टेड आइटम इक्वल टू सॉरी आइटम नहीं, यहाँ पर इंडेक्स होगा, माय बैड, ओके, यहाँ पर इंडेक्स होगा। तो अगर इंडेक्स 0 है, यानी कि यूज़र ने सेलेक्ट किया है डीडी, तो हमें क्या डिस्प्ले करना है यहाँ पर, डीडी नंबर एंड बैंक नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हम सेट विजिबल मेथड का यूज़ करने वाले हैं, तो हमें LBL जो हमारा डीडी है, डीडी नंबर डॉट सेट विजिबल को ट्रू करना है, हमें डीडी नंबर को दिखाना है एंड उसके टीएक्सटी को भी दिखाना है, टेक्स्ट फील्ड को भी, डीडी नंबर डॉट सेट विजिबल ट्रू कर देना है। एंड उसी तरह हमें बैंक, एंड एक बात याद रखिए, हमें डीडी नंबर को डिस्प्ले करना है, चेक नंबर को डिसेबल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों एक ही पर है, चेक नंबर एंड डीडी नंबर, यहाँ पर दो टेक्स्ट फील्ड भी है, एक चेक नंबर के लिए, एक डीडी नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक को डिसेबल करना है, तो LBL चेक डॉट सेट विजिबल फॉल्स करना है हमें इसे, एंड TXT चेक डॉट सेट विजिबल फॉल्स, एंड उसके बाद हमें बैंक नेम को भी डिस्प्ले करना है, LBL बैंक नेम डॉट सेट विजिबल ट्रू करना है, एंड उसी तरह TXT डॉट बैंक नेम डॉट सेट विजिबल ट्रू कर देना, ओके, ठीक है। अब ये बैंक नेम TXT आप देख सकते हैं, मैंने वेरिएबल को नाम दिया था, जैसे मैं इसे क्लिक करूँ चेंज वेरिएबल नेम, तो देख सकते हैं LBL बैंक नेम, और उसके सामने वाले टेक्स्ट फील्ड को मैंने नाम दिया था TXT बैंक नेम। ये सब हमने पहले वाली वीडियो में देख लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया, मैं इसे एक बार रन करके चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट अभी बाय डिफॉल्ट कैश पे रखा था हमने, तो अगर मैं डीडी पे सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीडी नंबर एंड बैंक नेम आ रहा है। अगर मैं कैश पे करूँ, अभी कैश पे हमें परफॉर्म करना है एक्चुअली, तो अभी हमने सिर्फ 0 इंडेक्स के लिए किया। अगर यहाँ पर चेक सेलेक्ट होता तो हमें डीडी नंबर को डिसेबल करना है एंड चेक को इनेबल करना है। तो मैं यहाँ पर चेक के लिए भी कोडिंग कर देता हूँ, मैं इसे सिंपली इसे कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पर अनदर इफ स्टेटमेंट एंड गेट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू अगर 1 है तो हमें क्या करना है, डीडी नंबर को डिसेबल करना है। तो मैं यहाँ पर फॉल्स करता हूँ एंड उसके टेक्स्ट फील्ड को भी फॉल्स कर देते हैं, एंड चेक नंबर को इनेबल करना है तो इसे ट्रू कर दीजिए, एंड यहाँ पर भी ट्रू,
एंड बैंक नेम तो दिखना ही चाहिए, बैंक नेम भी ट्रू होगा। ओके मैं रन करता हूँ फिर से, तो फिर अगर मैं डीडी सेलेक्ट करूँ तो डीडी नंबर बैंक नेम, चेक सेलेक्ट करूँ तो चेक नंबर एंड चेक नंबर बैंक नेम। ठीक है, अगर अब हमें कैश कैश पे सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना है, चेक नंबर एंड बैंक नेम को डिसेबल करना है और डीडी नंबर को भी डिसेबल करना है, बेसिकली सबको डिसेबल करना है यहाँ पर जब कैश पेमेंट मोड होगा तो। एंड मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर अनदर इफ स्टेटमेंट एंड इक्वल टू अगर ये ट्रू है मतलब कैश सेलेक्ट हुआ तो ये फॉल्स एंड सबको फॉल्स करना है, तो मैं यहाँ पर इसको भी फॉल्स कर देता हूँ, इसको भी फॉल्स कर देता हूँ, इसको भी फॉल्स, इसको भी फॉल्स एंड रन करता हूँ। सॉरी डिबगिंग में चला गया, मैं इसे रन करता हूँ, इसे कैंसिल करता हूँ, बाकी के प्रोग्राम भी कैंसिल कर देता हूँ एंड रन। यहाँ पर अगर डी 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 नंबर चेक चेक नंबर कैश, तो आप देख सकते हैं ये दोनों डिसेबल हो गए। एंड कार्ड पे सेलेक्ट करने पे हमें सिर्फ बैंक नेम दिखना चाहिए एंड बस बैंक नेम दिखना चाहिए, चेक नंबर डीडी नंबर की कोई ज़रूरत नहीं। इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर और एक बात, अगर आप यहाँ पर सिलेक्टेड इंडेक्स है, आप एक मेथड और यूज़ कर सकते हैं, गेट सिलेक्टेड आइटम्स मेथड है। ओके अब वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो डॉट इक्वल्स मेथड को हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के एंड यहाँ पर हमें आइटम मतलब उसके अंदर की वैल्यू, जैसे ये देख सकते हैं आप इसके अंदर जीरो आइटम पे कौन सी वैल्यू, जीरो आइटम पे कौन सी वैल्यू है डी डी एंड फर्स्ट इंडेक्स पे, सॉरी जीरो इंडेक्स पे डी डी वैल्यू एंड फर्स्ट इंडेक्स पे चेक वैल्यू, तो हमें आइटम मतलब उसके अंदर की वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर कार्ड है पेमेंट मोड, ठीक है कार्ड सी कैपिटल लिखिए क्योंकि ये इक्वल्स मेथड है, केस केस सेंसिटिव होता है ये। एंड एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपने सोच रहे कि मैं यहाँ पर इक्वल इग्नोर केस क्यों नहीं यूज़ कर सकता, सपोज इक्वल इग्नोर केस जो होता है मेथड, देख सकते हैं आप वो मेरे सजेशन में भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो मेथड एक्चुअली है ही नहीं है। और ये जो हमारा गेट सेलेक्टेड इंडेक्स आइटम है ना, गेट सेलेक्टेड आइटम मेथड, वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लास में कौन सा मेथड है, इक्वल्स मेथड, इसलिए हम सिर्फ इक्वल मेथड को कॉल कर सकते हैं एंड इक्वल इग्नोर केस को नहीं कॉल कर सकते। तो ठीक है, ये एक और अल्टरनेटिव है, जैसे गेट सिलेक्टेड इंडेक्स से आपको इंडेक्स मालूम पड़ता है, उसी तरह गेट सिलेक्टेड आइटम से आपको उसके अंदर की वैल्यू पता चलती है। तो का अगर पेमेंट मोड कार्ड है तो हमें डीडी नंबर फॉल्स चेक नंबर फॉल्स बस इसे ट्रू करना है। ठीक है ट्रू एंड ट्रू, मैं रन करता हूँ एक बार, देख सकते हैं पेमेंट मोड डीडी है तो डीडी नंबर, चेक है तो चेक नंबर एंड कैश है तो कुछ नहीं, कार्ड है तो सिर्फ बैंक ने। एंड मैंने बहुत सोचा गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत सोचा कि मैं आपको ये वाला प्रोग्राम भी करके दिखाऊँ, जैसे कि जब मैं कैश पे सेलेक्ट करता था तो ये रिसीव फ्रॉम ऊपर आ जाता था एंड बाकी मतलब ये जो ये पैनल है वो ऊपर आ जाता था, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो मैं बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ इसे, बस उस एक इस एक एक्टिविटी का कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, इसलिए मैंने उसे निगलेक्ट कर दिया फिलहाल। एंड अगर आपको चाहिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ पर ये भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, जैसे डी डी चेक नंबर से लेके आपने चेक नंबर कैश पे ये सब हमें डिसेबल कर देना है एंड कार्ड पे बैंक नहीं, तो उस एक एक्टिविटी के कारण काफ़ी कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी एक्चुअली, इसलिए मैंने उसको नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में आपने सीखा कि हम मल्टीपल पेमेंट मोड पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं लेबल्स को। ओके सो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इन सभी डेटा को डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करना है एंड फीस रिसीप्ट वाली पेज हम डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।